की बात हमें समझ में आ गई। आपको और हमें समझ में आए या नहीं आए, अभी कुछ दिन पहले पटना में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था साहबजादे के साथ। अगल बगल में हमारे दोनों नेता जो पहले खड़ा रहते थे, इस बार कुर्सी पे बैठे हुए दिखाई दिए थे। ये प्रशांत किशोर साहब के इस मूवमेंट का देन है। तो जब कोई हमसे बात करना नहीं चाहता, हमारे तरफ मुखातिब होना नहीं चाहता, हमें मंच पे बैठाना नहीं चाहता, वैसे सूरत में अगर कोई इंसान ये निकल कर आया कहने के लिए कि आप आओ हम आपको हिस्सेदारी देंगे और हम आपको स्थापित करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। और ये काम हम लोग अगर कर लिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं,